इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई में शिवाजी पार्क के एक ऐसे हॉल में जिसे एक कोविड फैसिलिटी में तब्दील किया जा रहा है। 20 बेड का जो फैसिलिटी है, 20 बेड की जो फैसिलिटी है यहाँ बनाई जाएगी। यहाँ पर 5 वेंटिलेटर्स होंगे और 15 नॉन वेंटिलेटर बेड्स होंगे। खास बात यह है कि जाने माने नेता अजय देवगन जो है वो इसे स्थापित करने में, इस फैसिलिटी तरह की जो मदद चाहिए उसके लिए अजय देवगन हेल्प कर रहे हैं, और तमाम इंडस्ट्री के और तमाम जो निर्माता निर्देशक वो भी मेरे साथ मौजूद है। मुंबई बीएमसी के जो असिस्टेंट कमिश्नर है किरण दिगावकर, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ आप खास जानकारी देना चाहेंगे? 20 बेड का यहाँ पर एक कोविड फैसिलिटी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, हम देख रहे हैं पीछे काम चल रहा है, क्या कुछ बताएंगे आप? अजय देवगन भी ने भी अब हाथ जोड़ लिया है आप लोगों के साथ। नहीं, माहिम में हिंदुजा हॉस्पिटल करके सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो कोविड के लिए पिछले एक साल से काफ़ी मेहनत कर रहा है। अगर एक ट्रेंड ऐसे देखा जा रहा है कि बहुत लोग हैं कि आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड की डिमांड मुंबई में बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली हिंदुजा में वो हिंदुजा और रहेजा हॉस्पिटल के लिए काफ़ी डिमांड आती है। तो बीच में हमारी हिंदुजा हॉस्पिटल से बात हुई थी कि आपकी फैसिलिटी बढ़ाओ, तो उनके पास खुद के पास अभी कोई स्पेस नहीं थी, तो ऐसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि कोई अगर हॉल मिल जाए, कोई मैरिज हॉल हो, कोई हो कि जिसमें हम आईसीयू बेड की फैसिलिटी बनाएं, तो हिंदुजा ने उनके सहमति दर्शाई थी कि हम उसको ऑपरेट करेंगे। मीनवाइल हमें एनवाई फाउंडेशन जो जिसके डायरेक्टर अजय देवगन है, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि मुंबई के जो कोविड क्राइसिस कर रहे हैं उसमें हम कुछ मदद करना चाहते हैं, तो हमारा एक स्माइल ने खुद ऑफर दिया था आप लोग को। उन्होंने एनवाई फाउंडेशन लास्ट ईयर भी उन्होंने धारावी के लिए जो हेल्प किया था वो हमारे कांटेक्ट में थे, और उन्होंने सामने से हमें कहा कि वी वांट टू हेल्प फॉर ऑल दिस, जो भी क्राइसिस आप लोग फाइट कर रहे हैं उसके लिए हम मदद करना चाहते हैं। तो बीएमसी का एक स्माइली करके अकाउंट है जिसके अंदर काफी लोग डोनेशन करते रहते हैं, उनकी जैसे जैसी बीएमसी का बिजनेस डेवलपमेंट एक सेल है जिसके तहत स्माइली अकाउंट आता है, तो उसमें फिर उन्होंने एक अंदाज़ा लिया कि एक 20 बेड का अगर आईसीयू बेड बनाया जाए जिसमें वेंटिलेटर्स भी हो, सारी फैसिलिटी, और जो हिंदुजा ऑपरेट कर रहा होगा तो उसको साधारण खर्चा कितना आएगा, उसका अंदाज़ा लेने के बाद उन्होंने उनके कुछ प्रोड्यूसर्स और दोस्तों को से बात करके सब एनवाई फाउंडेशन के थ्रू बीएमसी को इसकी मदद की है। सर, प्रोड्यूसर्स की बात की, उसमें बोनी कपूर शामिल है, लव रंजन शामिल है, लीना यादव, असीम बजाज, तमाम लोग शामिल हैं जो स्माइली अकाउंट के थ्रू डोनेट कर रहे हैं। राइट, तो इन सब लोगों ने एनवाई फाउंडेशन के थ्रू दिया, और अभी ये जल्दी काम 1 मई से ये आईसीयू फैसिलिटी हम हिंदुजा को हैंड ओवर कर देंगे और हिंदुजा विल ऑपरेट, इट विल बी एज गुड एज एडमिशन इन हिंदुजा हॉस्पिटल ओनली। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या अजय देवगन और जो तमाम अभी नाम आपने गिनाए बोनी कपूर से लेकर, उनके अलावा भी बॉलीवुड से और कौन कौन मदद के लिए आगे आ रहा है? अभी हाल ही में अक्षय कुमार ने 100 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बात कही, उसके अलावा आयुष्मान खुराना जो है उन्होंने सीएम फंड में कुछ पैसे दिए हैं, और कौन से अभिनेता या कलाकार या जो तमाम लोग निर्माता निर्देश आगे आ रहे हैं? नहीं, ऐसे रिक्वेस्ट अभी डेली तौर पे आते रहते हैं, कोई मटेरियल देना चाहता है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट देना चाह रहा है, कोई है, तो ऐसे जो हमें कांटेक्ट करते हैं, जैसे भी कुछ दिन पहले जय मेहता जो जूही चावला थे उन्होंने भी कांटेक्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स से, है जहाँ पे सीनियर सिटीजन काफ़ी तादाद में हैं, तो हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो भी पानी है, जूसेस वगैरह है, उसका जो खर्चा है वो उठाने के लिए उन्होंने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं, और हम उनको फैसिलिटेट करते रहते हैं। ऐसे करके एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।